हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफ जेएस ऑल गुरु। और आज आप लोग के लिए एक और खुशखबरी होगी कि सचिवालय सहायक जो CGL 3 था उसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट आने के साथ ही आपका जो अगला सचिवालय सहायक है जिसकी मैंने बात कहा था कि बहुत जल्द आने वाली है, उसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बात करते हैं पहले इसका, फिर बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी कब तक आने के चांसेस है। इसके आधार पर सबसे पहले जल्द देखते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आया उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कितने सीटें बच गई हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वीडियो को PDF में जो रिजल्ट आया उसमें देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको ये दिख रहा होगा कि कल के डेट में यानी 23 तारीख को ये आपका जो रिजल्ट सचिवालय सहायक का जारी हुआ, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 2240 जो कैंडिडेट थे वो मुख्य रूप से लास्ट तक चयनित यानी अंतिम चयनित 2248 हुए हैं, लेकिन 2248 सीटों पर ये वैकेंसी निकाली गई हुई। आप देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए 2248 रिक्त पद को भरने के लिए प्रकाशित किया गया था। परीक्षा के आयोजन के उपरांत कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया, तो 2240। अब बात है कि यह 8 सीटें कौन सी बच गई हैं, तो लिखा होगा यहाँ पर देख रहे होंगे मनोविकार दिव्यांग कोटि में अभ्यर्थी का उपलब्ध नहीं रहने के कारण 8 सीटें रिक्त रह गई हैं, जिन्हें संबंधित अधिकारी या विभाग को वापस कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो 2240 बच्चों का सिलेक्शन इस बार हो चुका है। कटअप की बात करते हैं इस बार, तो इस बार कटअप जो है थोड़ा सा बहुत बढ़िया गया है। बहुत बच्चे मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पर बता रहे थे कटअप कम गया है, कटअप कम नहीं गया है। कुल मांग का चलिए 120 जिस बच्चे ने बनाया हो उसका रिजल्ट बना है, 120 से जो कम बनाया था उसका रिजल्ट नहीं बना है। खैर ये तो अब रिजल्ट जारी हो चुका है, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाला जो हमारा सचिवालय सहायक है उसकी संभावना बढ़ने के साथ साथ बता देते हैं कि वो आपका जो वैकेंसी है वो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। फरवरी में मैक्सिमम कह रहे हैं, हालांकि 99% चांस है कि जनवरी के लास्ट तक, लेकिन अगर 1% की चांस बात करते हैं तो ये आपको फरवरी में वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए वैसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार सरकार की सही वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट बताया जाता है, साथ ही उसका रिजल्ट के भी अपडेट दिया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और हमारे साथ अपने सवाल तक सूचित करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, थैंक यू।